दोस्तों वेलकम टू हकीम अहमद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज मैं आप लोगों को अंजीर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अंजीर आप सभी जानते होंगे, ये हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट में गिनी जाती है, लेकिन दोस्तों इसके जो फ़ायदे होते हैं आप सभी जानते होंगे कि अंजीर मर्दाना ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप इसको कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मर्दाना ताकत के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर कब्ज़ के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने का इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिर्फ मर्दाना ताकत के बारे में इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों अगर एक मर्द इसको इस्तेमाल करता है तो ये उसकी मर्दाना टाइमिंग को बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं। उसके अंदर मादा मनवैया बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनाता है। और दोस्तों अंजीर खाने वाला मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इतनी ज़बरदस्त चीज़ अंजीर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, अपने तीन अंजीर के पीस लेने हैं। तीन अंजीर के पीस ये आपने किसी भी पंसारी स्टोर से ले आने हैं। मैं आपको एक दिन का नुस्खा ये बता रहा हूँ। आपने अंजीर लेकर आ जानी है आधा किलो या पाव भर, उसमें से आपने तीन अंजीर के पीस ले लेने हैं। अब आपने क्या करना है, रात को दूध में ये अंजीर के पीस भिगो कर डाल देने हैं, यानी दूध में डुबो कर आपने डाल देने हैं। आपने रात भर ये दूध ऐसे ही रखे देना है। सुबह होने पर आपने सबसे पहले अंजीर के पीस निकालने हैं। ये थोड़ा फूल गए होंगे, जब आप सुबह इसको देखेंगे तो ये थोड़े फूल जाएंगे। अब आपने इनको खा लेना है, खाली पेट आपने ये खाना है। दोस्तों इसके बाद आपने ये जो दूध होगा ये दूध आपने ऊपर से पी लेना है। दोस्तों एक महीना इस तरह से अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीन मानिए 60 साल तक भी आपकी ताकत ज़ाया नहीं होगी, यानी कम नहीं होगी 60 साल की उम्र तक भी। इतना ज़बरदस्त नुस्खा आज मैंने आप लोगों को बताया है। दोस्तों इस सब के अंदर मादा मनवैया बनेगा, आपकी मर्दाना टाइमिंग बढ़ेगी, मर्दाना ताकत आपके अंदर आएगी, उज़ू ख़ास में सख्ती पैदा होगी, अगर ढीलापन रहता है तो सख्ती पैदा होगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आज मैंने आपको ये बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो।